Hello everyone. So guys, today we are supposed to learn fourth chapter of our book, which is Flamingo, and the name of the chapter is The Rat Trap. Rat Trap का meaning तो आपको पता ही है, मतलब आपको photograph में भी नजर आ रहा है. Rat Trap का मतलब होता है rat मैंने चूहा या mouse, और trap मैंने जाल, चूहे को पकड़ने का जाल. इसे आप चूहे दानी या पिंजरा भी कहते हैं, ठीक है. तो भाई इनके जो राइटर हैं यानी लेखिका हैं, उनका नाम है सेल्मा लॉगरलॉफ, ये उनका नाम है. और गूगल से मैंने उनकी एक फोटोग्राफ निकाली है, थैंक्स टू गूगल बाबा एंड सम इंफॉर्मेशन एज वेल. तो उनका जो पूरा नाम है वो है सेल्मा ओटिला लोविसा लॉगरलॉफ. वो एक स्वीडिश ऑथर थी, लेखिका थी एंड एक टीचर, एक अध्यापिका भी थी. शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवल गोस्टा बर्लिंग्स सैगा. उन्होंने अपनी पहली नॉवल जिसका नाम था गोस्टा बर्लिंग्स सैगा, उसको पब्लिश किया कब? एट द एज ऑफ 33, यानी 33 वर्ष की आयु में. शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज, और वो पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला. किसके लिए? लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए. विच शी वॉज अवॉर्डेड इन 1909, जो उनको 1909 में दिया गया, ठीक है जी. तो इनका जन्म हुआ था 1858 में, और ये स्वर्ग सिधारी 1940 में. वॉज अ स्पिरिश राइटर एज आई टोल्ड यू, हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस. उनकी कहानियां विभिन्न भाषाओं में अनुवादित की गई. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, और उनकी कहानियों में एक यूनिवर्सल थीम आपको नजर आएगी. जितनी भी उन्होंने स्टोरीज लिखी हैं उनमें एक यूनिवर्सल थीम है. यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है ग्लोबल. अगर मैं हिंदी में बोलूं तो सर्वत्र या सार्वभौमिक, यानी ओमनीप्रेजेंट, यानी सभी जगह. सभी जगह जहां जहां उन्होंने जो जो कहानी लिखी, जिस जिस भी विषय पर, उन सभी कहानियों में एक समान थीम नजर आई. और वो थीम क्या थी? रन थ्रू मतलब टू प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ. और वो थीम क्या थी? अ बिलीव दैट The essential goodness in a human being. ये विश्वास कि हर human being में, हर मनुष्य में एक essential goodness होती है. एक essential मतलब होता है जरूरी, यानी आवश्यक, और goodness मतलब होता है अच्छाई, यानी प्रत्येक मनुष्य में एक आवश्यक अच्छाई होती है. Can be awakened through understanding and love. और उस आवश्यक अच्छाई को किसके माध्यम से awaken किया जा सकता है, जगाया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है? अंडरस्टैंडिंग एंड लव के द्वारा, यानी एक अच्छी समझ के साथ और एक लविंग ट्रीटमेंट देकर के. दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर. इस स्टोरी को स्वीडन की जो माइंस होती है, माइंस का मतलब होता है खान या खदान, खाने, लोहे की खान. इस कहानी को कहां, ये कहानी कहां पर आधारित है? स्वीडन की लोहे की खान या खदानों पर आधारित है. मतलब बेसिकली प्लॉट जो है वो उस जगह का है, और ये जो जगह है वो रिच इन आयरन ओर, मतलब अपनी लोहे की खानों से भरपूर है. मतलब यहाँ बहुत अधिक मात्रा में कच्चा लोहा पाया जाता है. विच फिगर्स लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. जो फिगर का मतलब है यहाँ प्रतीत होना. अगर इस देश की, स्वीडन की लीजेंड मतलब होता है ट्रेडिशनल स्टोरीज या पुरानी कहानियों की बात करें या वहां के इतिहास की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि स्वीडन में इस जगह पर बहुत अधिक मात्रा में कच्चे लोहे के भंडार, लोह अयस्क के भंडार पाए जाते थे. द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. और इस कहानी को कुछ इस तरीके से सुनाया गया है या बताया गया है, जिस तरीके से फेरी टेल्स मतलब होता है परियों की कहानियां, मतलब जो इमेजिनेटिव स्टोरी होती है ना, कुछ वैसी, उस तरीके से इस कहानी को यहाँ पे सुनाया गया है. तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी द रैट ट्रैप. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर. ऑथर बताती हैं कि एक बार की बात थी, देयर वाज अ मैन, एक आदमी था, who went around selling small rat traps of wire. जो went around मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना, यहाँ वहाँ घूम घूम कर, selling मतलब बेचा करता था, small rat traps of wire, छोटे छोटे पिंजरे बेचा करता था वो, जो वो wires यानी तारों से बनाता था. He made them himself at odd moments. वो इन पिंजरों को, इन rat traps को
ऑड मोमेंट्स में मनाया करता था। ऑड मोमेंट का मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री टाइम, यानी जब भी वह खाली होता था तो वह इन पिंजरों को हिमसेल्फ मतलब स्वयं बनाया करता था। फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बैगिंग, और ये उस मटीरियल या उस सामग्री से इन पिंजरों को बनाया करता था जो वो बैगिंग मतलब भीख मांग करके प्राप्त करता था। कहाँ से? इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, या तो वो स्टोर से या फिर जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं वहां से, खेत होते हैं वहां पर उनके जो ऑनर्स होते थे उनसे ये भीख में जो भी इसे मटीरियल मिलता उसकी मदद से ये रैट ट्रैप्स बनाता। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, वो कहता है इसके बावजूद भी उसका जो ये व्यवसाय था, ये जो बिजनेस था, वो कोई खास प्रॉफिटेबल नहीं था, उसको इसमें ज्यादा लाभ नहीं होता था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट, रिजॉर्ट मतलब होता है अडॉप्ट और मेक यूज ऑफ, यानी जब आप परेशान स्थिति में जिस चीज को अपना लेते हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में अपनी लाइफ के, तो उस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिजॉर्ट। तो वो किसको रिजॉर्ट करता था, वो क्या अपनाता था? टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी, भीख तो वो मांगता ही था लेकिन वो इसके साथ साथ पेटी थीवरी मतलब होता है स्मॉल, पेटी मतलब स्मॉल और थीवरी मतलब होता है थेफ्ट यानी स्टीलिंग्स। इसके अलावा वो छोटी छोटी चोरियां भी किया करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, क्यों भाई? पिंजरे बेचने से इसका गुजर बसर नहीं हो पाता था, तो फिर ये क्या करता था, इसके साथ साथ छोटी मोटी चोरियां भी करता था ताकि अपनी बॉडी और सोल यानी आत्मा को टुगेदर रख पाए, एक साथ रख पाए, अर्थात जिंदा रह पाए, स्टे अलाइव और सपोर्ट हिज लाइफ। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके कपड़े जो है वो बिल्कुल रैग्स मतलब होता है फटे हाल थे, टॉर्न थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल अंदर की तरफ, संकन मतलब होता है धस जाना, मतलब पिचके हुए गाल थे उसके, बहुत ही कमजोर था। यू कैन सी दिस पिक्चर हियर। एंड हंगर ग्लीम इन हिज आईज, और उसकी आंखों में एक हंगर मतलब होता है भूख, उसकी आंखों में भूख शाइन करती थी, ग्लीम का मतलब होता है चमकना। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। अब राइटर बताती है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि उस वैगाबॉन्ड के लिए, उस वैंडरर के लिए, वैगाबॉन्ड मतलब होता है वैंडरर, द पर्सन हु मूव हियर एंड देयर एमलेसली इज कॉल्ड वैंडरर और वैगाबॉन्ड और होमलेस। वो जो व्यक्ति था उसके लिए, उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए, उस आवारा व्यक्ति के लिए, उस होमलेस व्यक्ति के लिए जिंदगी कितनी सैड और कितनी मोनोटोनस अपीयर मतलब प्रतीत होती थी, दिखती थी, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो रोड के साथ साथ प्लॉट करता था, प्लॉट मतलब होता है मूव स्लोली यानी धीरे धीरे चलना, रोड के साथ साथ चलता था अलोंग द रोड, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और किसमें खोया हुआ, अपने खुद के मेडिटेशन में, अपने खुद के थॉट्स में, अपने खुद के विचारों में खोया हुआ ये रोड पर चलता था। प्लॉट्स मतलब मूव स्लो और वॉक स्लोली। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, पर एक दिन क्या हुआ, ये व्यक्ति जो पिंजरे बेचा करता था, वी कैन कॉल हिम अ रैट ट्रैप पैडलर सेलर, यानी पैडलर मतलब होता है हॉकर, पैदल चल करके जो सामान को बेचता है, सेलर मतलब बेचने वाला और रैट ट्रैप मतलब चूहेदानिया, ठीक है। तो एक दिन इसके मन में एक थॉट आ गया, अ लाइन ऑफ थॉट किसे बोलते हैं, अ पर्टिकुलर वे ऑफ कंसिडरिंग अ मैटर, यानी किसी भी विषय के ऊपर विशेष तरीके से कंसीडर करना, मतलब उसके बारे में सोचना, ठीक है, लाइन ऑफ थॉट। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट व्हिच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, अब उसे ये जो विचार था जिसके बारे में ये चलते चलते सोचने लगा, ये विचार उसे बड़ा ही एंटरटेनिंग लगा, बड़ा ही मजेदार लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, स्वाभाविक तौर पर जब वो रोड पर चलता था अकेला तो वो चलते चलते किसके बारे में सोचा करता था, अपने रैट ट्रैप्स के बारे में, पिंजरों के बारे में। तो पिंजरों के बारे में सोचते सोचते अचानक क्या हुआ, स्ट्रक बाय द आइडिया, अचानक उसे एक आइडिया हिट हुआ, एक विचार हिट हुआ, क्या, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड with its lands and seas
इट्स सिटीज एंड विलेजेस वर नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। चलते चलते उसके मन में क्या आइडिया स्ट्राइक हुआ, क्या विचार आया एक दिन, एकदम से वो विचार ये आया कि ये जो पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार है, इसके अंदर लैंड्स यानी धरती, सीज मतलब समुद्र, सिटीज मतलब शहर और विलेज मतलब गांव, इन सबको मिलाकर के ये संसार एक बहुत बड़ा जाल या पिंजरा है, एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट फॉर पीपल। उसका मानना था कि इस संसार का केवल एक ही पर्पस है, एक ही मकसद है, इसका अस्तित्व, इसकी एग्जिस्टेंस केवल एक ही वजह से है, और वो है क्या करना, सेट बेट्स यानी बेट लगाना। बेट्स मतलब होता है चारा या लालच, ये चारा या लालच ऑफर करता है। बेट्स को इंग्लिश में मैं आपको समझाता हूं, फूड प्लेस ऑन अ हुक और इन अ नेट ट्रैप और फिशिंग एरिया, यानी मछलियों को पकड़ने के लिए नेट या ट्रैप यानी जाल पर जो चारा लगाया जाता है या फिशिंग हुक पे जो चारा लगाया जाता है उसे हम बेट्स बोलते हैं, मतलब लालच अथवा चारा। ठीक है, तो उसका मानना था कि ये जो संपूर्ण दुनिया है, संपूर्ण संसार जो है, इसके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, जो आपको जो भी ये शानो शौकत नजर आ रही है ना इस धरती की, इस पृथ्वी की, संसार की, ये सब एक लालच है। कैसे वो बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड फूड। वो कहता है कि इस रैट ट्रैप रूपी संसार में क्या क्या चीजें ऑफर की जाती हैं, रिचेज मतलब अमीरी, जॉयज मतलब खुशियां, शेल्टर मतलब रहने के लिए अच्छा घर, अच्छी जगह, फूड मतलब स्वादिष्ट भोजन, हीट मतलब वार्म्थ इन विंटर्स, एंड क्लोथिंग मतलब कपड़े। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड फूड, ये सब ठीक वैसे ही है जैसे पिंजरे में, रैट ट्रैप में, चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए चीज या पोर्क, चीज मतलब पनीर का टुकड़ा और पोर्क मतलब होता है मीट ऑफ पिग। तो लालच के लिए ये चीजें क्या की जाती हैं, लगाई जाती हैं। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जब इस प्रकार के लालच में, सांसारिक लालच में, सांसारिक सुखों के लालच में जैसे ही इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, टेम्प्टेड होता है मतलब इंड्यूस या एंटाइज या कह सकते हो ललचाता है, आकर्षित होता है इस बेट यानी इस चारे को टच करने के लिए, इट क्लोज इन ऑन हिम, ये पिंजरा उसके ऊपर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब वो मोह माया के जाल में फंस के रह जाता है और उसकी दुनिया में सभी चीजों का अंत हो जाता है, उसकी जिंदगी का अंत हो जाता है। The world had of course never been very kind to him. पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो इस तरीके से नेगेटिव क्यों सोचने लगा, ठीक है, या फिर उसका चेरिश्ड पास्ट टाइम क्या था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वो कहता है कि The whole world had of course never been very kind to him. इस संसार के अंदर पैडलर का अनुभव अच्छा नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि कभी भी किसी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, उसके प्रति काइंडनेस यानी दयालुता नहीं दिखाई थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो इस तरीके से संसार के उपेक्षित व्यवहार की वजह से उसने बहुत ही नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, बहुत ही नकारात्मक सोचना शुरू कर दिया। थिंक इल मतलब थिंक नेगेटिव, और इस नकारात्मक सोच से उसे एक अनवांटेड जॉय मतलब एक अनयूजुअल, एक अजीब सी खुशी मिलने लगी। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, यानी जब वो रोड पर अकेला चल रहा होता था उदास यात्राओं के दौरान, ड्रियरी मतलब होता है सैड या डल, अपनी डल या सैड यात्राओं के दौरान वो अक्सर अपने इस विचार के बारे में सोचा करता था। कौन सा विचार, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कि ये पूरी दुनिया एक पिंजरा है, वो इस विचार के बारे में सोचा करता था। और इस तरीके से इस विचार के बारे में सोचना उसके लिए क्या बन गया, बिकेम अ चेरिश पास टाइम, चेरिश मतलब होता है एंटरटेनिंग, यानी उसके लिए ये विचार अपने आप में एक मजेदार विचार बन गया, उसको इसके बारे में सोच करके अच्छा लगने लगा। तो अपनी इन
डल विजिट्स के दौरान, इन उदास यात्राओं के दौरान वो क्या सोचा करता था? तो थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, वह उन लोगों के बारे में सोचा करता था जिनको वह जानता था. Who had let themselves be caught in the dangerous snare, जिन्होंने अपने आप को इस खतरनाक snare मतलब होता है जाल, जिन्होंने अपने आप को इस खतरनाक जाल में caught कर लिया है, यानी फंसा दिया है. And of others who were still circling around the bait, और वह अक्सर उन लोगों के बारे में भी सोचा करता था, उनके बारे में तो सोचता ही था जिन्होंने अपने आप को उस जाल में फंसा लिया है. वह उन लोगों के बारे में भी सोचा करता था जो उस जाल के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, और उसके अंदर जो बेट सेट किया गया है, जो चारा लगाया गया है, उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन लोगों के बारे में भी सोचा करता था. वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड. एक डार्क इवनिंग यानी अंधेरी शाम की बात है. He was trudging along the road. वो रोड पर, trudging मतलब होता है walking, slowly यानी plodding, धीरे धीरे रोड पर चल रहा था. He caught sight of a little grey cottage. उसकी नजर एक छोटी grey cottage पे पड़ी by the roadside, जो रोड के किनारे थी. And he knocked on the door. उसने डोर पे knock किया. Cottage कैसी होती है? Let me show you. You can see this picture here. तो उसने क्या किया? He knocked on the door to ask shelter for the night. उसने वहां पे रात गुजारने के लिए, शेल्टर लेने के लिए, आश्रय लेने के लिए डोर पे नॉक किया. Nor was he refused. और उसे मना भी नहीं किया गया, यानी कॉटेज के ऑनर ने उसे मना नहीं किया. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. जो उस अक्सर जहां भी वो जाया करता था ना, वहां पर उसे सोर फेसेस मतलब लोग उसे देख करके मुंह बना लेते थे. सोर फेसेस का मतलब होता है, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जब आप किसी अनवांटेड गेस्ट को देख लेते हो और आप बना लेते हो, तो उस तरह के एक्सप्रेशन उसके उनके फेसेस पे आ जाते थे, यानी लोग उसे नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ देखा करते थे, जो कि ऑर्डिनरली मतलब होता है यूजुअली, यानी आमतौर पर उसे मिला करते थे. जो अब की बार व्यक्ति मिला था, जो ऑनर था उस कॉटेज का, वो एक ओल्ड मैन था विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसकी फैमिली नहीं थी. वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. ओल्ड मैन अपने अकेलेपन में किसी व्यक्ति को बातें करने के लिए पाकर बड़ा खुश हुआ. इमीडिएटली पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर. उसने तुरंत, पॉरेज मतलब होता है दलिया और पॉट मैंने बर्तन, उसने दलिए के बर्तन को फायर पे चढ़ा दिया ताकि उसे गर्म किया जा सके. And gave him supper, और उसे evening meal, supper मतलब क्या होता है? Evening meal, a light refreshment, जो शाम के time लोग हल्का भोजन करते हैं, वो उसे offer किया. Then he capped off such a big slice from his tobacco roll. उसके बाद उसने अपने tobacco roll में से एक बड़ा सा slice, मैंने टुकड़ा, capped off मतलब होता है cut off, एक बड़ा सा टुकड़ा काटा tobacco roll में से. This is tobacco roll, ठीक है? That it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसने ये इतना बड़ा टुकड़ा काटा था जो stranger यानी अजनबी यानी peddler के pipe के लिए, smoking करने के लिए, और उसके स्वयं के pipe के लिए sufficient था. Finally he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime. और अंत में old man ने एक old pack of cards मतलब एक पुरानी ताश की गड्डी निकाली और अपने गेस्ट के साथ बेड टाइम तक मतलब सोने के समय तक, गेस्ट कौन? पैडलर. उसके साथ उसने उन कार्ड्स के साथ गेम खेली, गेम का नाम था जॉलेस. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको. ओल्ड मैन ने जितनी उदारता पैडलर को पॉरेज एंड टोबैको ऑफर करने में दिखाई थी, उतनी ही उदारता उसने उसके अंदर विश्वास दिखा करके दिखाई, कॉन्फिडेंस दिखाया. कैसे? सुनिए. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर. अब उसने अपने गेस्ट यानी पेडलर को बताया कि जब मेरे प्रोस्पेरिटी के डेज हुआ करते थे, यानी जब वो अपने यंग डेज की बात कर रहा है, व्हेन ही वाज यंग, वो कहता है कि जब मेरे अच्छे दिन हुआ करते थे तो मैं एक क्राफ्टर था. क्राफ्टर का मतलब होता है A farmer who worked on a land, यानी जो
किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर काम करता है और वहां से उसको डेली उसकी वेजेस मिलती है, यानी उसकी मजदूरी मिलती है। एट रामस जो आयरन वर्क्स, वो कहां पे थी लैंड, रामस जो आयरन वर्क्स हैड वर्क ऑन द लैंड। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, वो कहता है कि जब मैं डे लेबर करने के योग्य नहीं रहा, जब मैं ज्यादा मेहनत करने के योग्य नहीं रहा, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। तो वो बताता है कि उसकी एक गाय थी जिस गाय ने उसको बहुत सपोर्ट की। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, वो अपनी काओ के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है जो उसकी काओ है ना, वो बहुत ही बॉसी है। बॉसी के दो मीनिंग होते हैं, पहला दोज हु बिहेव लाइक अ बॉस और दोज हु लव टू गिव ऑर्डर्स, और दूसरा ये काओ की ब्रीड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ब्रीड है। वो कहता है कि वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, मतलब असाधारण है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो कहता है कि वो इतना दूध देती है कि रोज मैं उससे क्रीम निकालता हूँ। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, वो बोलता है कि और पिछले महीने मैंने उसके दूध से निकली क्रीम को बेचकर 30 क्रोनर कमाए। क्रोनर इज द करेंसी इन स्वीडन। ठीक है, दी स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। अब जो ओल्ड मैन था, जब उसने उसे ये बात बताई कि लास्ट मंथ मैंने अपनी काउ के मिल्क से निकली क्रीम को बेचकर 30 क्रोनर कमाए हैं, अब उसे लगा कि मेरी इस बात का विश्वास किसको नहीं हुआ, पैडलर को नहीं हुआ। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रेडुलस, यानी उसे लगा कि अजनबी को मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ। इनक्रेडुलस मतलब होता है डाउटफुल और अनकन्विंस्ड। ठीक है, फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए खड़ा हुआ एंड वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, वहां से एक लेदर के पाउच को उसने उतारा। लेदर का पाउच मतलब लेदर का एक पाउच मतलब थैली, विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कहां पे हंग मतलब टंगी हुई थी, लटकी हुई थी, विंडो के फ्रेम पर एक नेल लगा हुआ था। नेल मतलब होता है कील या खूंटी। ठीक है, उस पे वो पाउच टंगा हुआ था, उसने वो पाउच निकाला वहां से एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स। बिल्स मतलब होता है नोट। उसने उसके अंदर से क्या बाहर निकाल लिए, क्या पिक आउट कर लिए, 3 रिंकल मतलब होता है मुड़े हुए, सिलवट पड़ी हुई। ठीक है, उसने वो रिंकल नोट निकाले, 10 10 क्रोनर के 3 नोट, यानी टोटल 30 क्रोनर्स। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नोटिंग नोइंगली, और उसने इन नोटों को अपने गेस्ट की आंखों के सामने पकड़ लिया और जानबूझ करके सिर हिलाया। नोडिंग नोइंगली, नोडिंग मतलब सिर हिलाना। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उन नोटों को उसने वापस पाउच के अंदर स्टफ बैक कर दिया। स्टफ मतलब होता है पुश और फिल, यानी ठूस दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन द गुड सीजन, अगले दिन दोनों गुड सीजन में उठ गए, मतलब अर्ली मॉर्निंग और गुड टाइम ऑफ द मॉर्निंग, सुबह प्रातः काल में उठ गए वो। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर थोड़ा जल्दी में था, उसे अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और जो दूसरा व्यक्ति था यानी पैडलर, उसने सोचा कि भाई घर का मालिक उठ गया है, उसे काम पे जाना है, अब मैं बेड पर लेटा रहूं ये अच्छा नहीं लगता, तो वो भी उठ गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों एक ही समय पर कॉटेज से बाहर निकले। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने डोर को लॉक किया और की को अपनी पॉकेट में डाल लिया। द मैन विद द रैटर सेड गुड बाय, रैटर वाले व्यक्ति ने गुड बाय एंड थैंक यू कहा, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, देयर अपॉन मतलब देयर आफ्टर, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते को चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैटर पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, पर आधे घंटे बाद रैटर पैडलर दोबारा उसी कॉटेज के डोर के सामने खड़ा हुआ था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सिर्फ विंडो के पास गया, स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड, और उसने स्मैश मतलब होता है ब्रेक इन टू पीसेस यानी तोड़ दिया, पेन मतलब होता है अ थिन शीट ऑफ ग्लास यानी कांच, उसने कांच को तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड,
और अपने हैंड को उसके अंदर फंसाया, स्टक किया एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, पाउच पे अपनी होल्ड यानी पकड़ बनाई विद द 30 क्रोनर, जिसमें क्या थे 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने पैसे लिए और उसे कहां पे थ्रस्ट कर लिया, कहां पे स्टफ कर लिया यानी कहां पे फिल कर लिया अपनी पॉकेट में। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और उसने बहुत ही सावधानी से उस लेदर के पाउच को वापस उसके स्थान पर टांग दिया एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। अब जब उसने चोरी कर ली और चोरी के पैसों को अपनी जेब में डालकर के आगे बढ़ा, तो वो बहुत ही प्लीज मतलब होता है हैप्पी हुआ, विद हिज स्मार्टनेस अपनी चलाकी पे अपनी चतुराई पे बड़ा खुश हुआ। ही रियलाइज ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। अब चूंकि वो चोरी के पैसों के साथ आगे बढ़ रहा था तो शुरू में उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई, डेयर मतलब हिम्मत, कि वो अपने रास्ते को कहां पे कंटिन्यू करे, पब्लिक हाईवे यानी वो रास्ता जहां पे आम तौर पर लोग गुजरते हैं, ठीक है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसने सोचा कि मुझे अपने रास्ते को बदल लेना चाहिए और मुझे कहां से जाना चाहिए, इनटू द वुड्स यानी जंगल से होते हुए जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी। अब जब वो जंगल में जाना शुरू किया तो शुरुआती समय में उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, फर्स्ट आवर्स में उसे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कठिनाई नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन गुजरा स्थिति वर्स हो गई, मतलब बुरी हो गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि जिस जंगल में उसने एंटर किया था वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, जहां पे जाके वो कंफ्यूज हो गया, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें उसने प्रवेश कर लिया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसने कोशिश की कि वो इस बात को मेक श्योर कर ले, इस बात को सुनिश्चित कर ले कि अब वो एक निश्चित दिशा में ही चलेगा। डेफिनेट डायरेक्शन मतलब निश्चित दिशा। बट द पैथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, पर उस जंगल के जो रास्ते थे वो बहुत ही ट्विस्टेड मतलब टेढ़े मेढ़े थे, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े थे, उनमें बहुत सारे टर्न्स थे, ठीक है। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता रहा उसे जंगल का कोई अंत नहीं मिल रहा था, जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में उसने ये रियलाइज किया, ये महसूस किया कि वह तो जंगल के केवल एक ही हिस्से में घूमता जा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, और तभी उसे अपने थॉट्स रिकॉल हुए, रिकॉल मतलब रिमेम्बर्ड, अपने थॉट्स याद आए, अपने विचार याद आए अबाउट द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में एंड द रेड ट्रैप, और पिंजरे के बारे में, रेड ट्रैप के बारे में। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसे लगा कि अब उसकी स्वयं की बारी आ गई है, उसकी खुद की टर्न आ गई है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने स्वयं को बिफूल कर दिया है यानी मूर्ख बना दिया है, बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, यानी वो खुद लालच में आ गया, मतलब उसने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए, उन पैसों के साथ वो जंगल में आया, और वह जिस जंगल में आया अब वो उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता प्राप्त नहीं कर पा रहा। इसी वजह से उसने ये माना कि मैं खुद उस बेट यानी लालच में आ गया उन पैसों के, उन 30 क्रोनर के, जिसकी वजह से चोरी करके मैं जंगल में आया और अब मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, मैंने खुद को ही मूर्ख बना लिया, जबकि मैं तो ये जानता था। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, ये जो संपूर्ण जंगल था इसमें जो पेड़ थे, पेड़ों के ट्रंक्स मतलब तने, ब्रांचेस मतलब शाखाएं, इट्स थिकेट्स मतलब होता है बुशेस यानी झाड़ियां, एंड फॉलन लोग्स मतलब होता है गिरे हुए बांस के, जो लोग्स मतलब होता है बांस यानी लट्ठे, यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन। ये जो इतने सारे पेड़ थे या इतना सारा जो उनका घनापन था, शाखाएं तने और बांस के जो लट्ठे गिरे हुए थे, इन सबको देख करके उसे ऐसा लगा जैसे ये एक वुड नहीं बल्कि एक जेल हो, एक प्रिजन हो, और इस प्रिजन ने उसे बंद कर दिया हो। लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, अब उसे लग रहा था कि जिस जंगल में वो घुस गया है अब उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, उसे ये जंगल एक इनपेनिट्रेबल प्रिजन की तरह, एक ऐसी जेल की तरह लग रही थी जिसे वो
पेनिट्रेट नहीं कर सकता, अर्थात जिसे वो पास नहीं कर सकता। इनपेनिट्रेबल का मतलब होता है अभेद और इम्पॉसिबल टू पास थ्रू, विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, कभी भी बच नहीं पाएगा।